और आज हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दूं, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि सेक्शन सी का है, इट्स मीन कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन हमें दे दिया है कि यार सल्फर डाइऑक्साइड है और साथ में ऑक्सीजन है, ये हमारे पास आपस में मिलती है तो हमारे पास बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, सो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इफ देयर आर 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अगर मेरे पास 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, 3 मोल ऑक्सीजन के हैं और 8 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के हैं, कौन कहां पर, 1DM3 फ्लास्क में, ठीक है, एट 323 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, केसी भी बता दें और केपी भी बता दें, यानी कि कैलकुलेट केसी एंड केपी। अच्छा यार, केसी तो मुझे पता है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़ा है हमने। अब मसला ये है कि हमें मोल दिए हुए, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसमें, डेसीमीटर क्यूब में। अगर फर्स्ट के तौर पे इस क्वेश्चन में तो 1 decimeter cube दिया हुआ है, अगर 1 decimeter cube नहीं दिया हुआ, आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आपने उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब में और फिर उसके बाद इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज, हमारे पास जो वॉल्यूम है ना वो है 1 decimeter cube, अब मोल के नीचे आप 1 लिखेंगे तो आपको पता है 1 से जो चीज डिवाइड होती है वो चीज हमारे पास उतनी ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस आता ही नहीं है, तो यानी कि जब हम इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे भाई 5 divided by 1 तो 1 ही हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, पहले वो मोल था अब वो कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आई, तो इसीलिए पहले क्या करते हैं, हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं और ये काम हम अपने डेटा में ही कर देते हैं। छोटा सा सवाल है, इजी सा सवाल है। अच्छा भाई, मोल्स ऑफ, या हम डायरेक्टली ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर बजाय डेटा के कंसंट्रेशन ही लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, मैंने क्या किया, मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम, जो कि मेरे पास बन जाएगा 5 divided by 1, 5 mole पर डेसीमीटर क्यूब। सही है भाई, ये मेरे पास किस चीज का आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड का। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है हमारे पास, एक चीज ऑक्सीजन है 3 upon 1 = 3 mole पर डेसीमीटर क्यूब, ये मैं क्या कर रही हूँ, समझ में आ रही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि मेरे पास है 8 divided by 1, ये हो गया 8 mole पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लिख दे, यहाँ आपके पास जो है वो ये चीज होती है मोल डॉट डेसीमीटर माइनस क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई जो है वो आपके पास मसला नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास देखो केसी तो मैं आराम से पता कर लूंगी अब, क्योंकि केसी पता करने में क्या मुश्किल है, मैं केसी का फॉर्मूला निकालती हूँ, पता कर लेती हूँ, बल्कि कर ही लेते हैं। ठीक है, और वो क्या है मेरे पास कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब जरा क्या करते हैं, इस इक्वेशन में लिख देते हैं, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड पर जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है आपको पता है वो हमारे पास पावर बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी जो भी कोफिशिएंट है 2 वो पावर बन गई, और ये ऑक्सीजन मेरे पास इसी तरह ही आ गया। अब जरा मैं इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, SO3 कितना है भाई, 8 की पावर 2, यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया मेरे पास 5 5 2, और ये मेरे पास आ गया 3। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, अभी तो हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, 8 8 64 होता है हमारे पास। ठीक है, बाकी 5 5 25
25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 25 25 25 और ये 75 75 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। तो भाई इसकी वैल्यू आ रही है 0.85, ठीक है, ये मेरे पास केसी आ गया। अब हम बात कर रहे हैं यार केपी की, केपी कैसे निकाले। देखो केपी का तरीका ये होता है, नॉर्मली तौर पर हमारे पास जो केपी निकाला जाता है वो निकाला जाता है, अगर मैं आपको बात करूं किसकी, वो जो हमने रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी और केएन वगैरह के बारे में जो है वो पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा इट्स ओके, डिस्क्रिप्शन पर जो है वो इसकी लिंक मौजूद है जिसमें मैंने पूरा जो है वो डिटेलिंग के साथ समझाया है, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके तहत हमारे पास केपी निकलता है भाई पार्शियल प्रेशर का, यानी कि उसमें यही चीज इक्वेशन होती है, लेकिन क्या होता है बजाय मोल के हमें डेटा पार्शियल प्रेशर का दिया हुआ होता है, तो हम केपी निकालते हैं, ठीक है। अब मसला यहाँ पर जो है कि हमें पार्शियल प्रेशर तो दिया हुआ ही नहीं है, ना सल्फर ट्राई यानी ना रिएक्टेंट का दिया हुआ है, ना प्रोडक्ट का दिया हुआ है, तो भाई अब हम क्या करें। अब हम करेंगे कुछ इस तरीके से कि अब हम केसी केपी का जो रिलेशन है उसके थ्रू निकालेंगे, और वो क्या है वो हम देख लेते हैं। वो ये है कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। अब देखो केसी तो हमारे पास निकल कर आ गया 0.85 समथिंग कुछ होता है, जिसकी मैं अगर इसकी अगर आप देखें हमारे पास क्या जो है वो निकलेगी जिसको हम कहते हैं यूनिट, तो भाई ये हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, ये भी मोल पर डेसीमीटर के स्क्वायर, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगी, इसकी जो है वो यूनिट रह जाएगी और इसकी यूनिट होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ऊपर होगा 1, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो भाई इसकी निकल जाएगी मोल माइनस 1 डेसीमीटर क्यूब इस तरीके से। अच्छा अब यहाँ पे R और T और डेल्टा N क्या है। R हमारे पास है वही जनरल गैस का, जनरल गैस की वैल्यू क्या होती है R की, मैं आपको बता दूं R इज इक्वल टू 0.0821, ये जनरल गैस का जो है वो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमारे पास आती है किस चीज में, ये आती है हमारे पास एटमोसफेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन एंड मोल, इसमें आती है, ठीक है। फिर उसके बाद टी तो हमें दिया हुआ है इन्होंने, कितना टी हमें दिया हुआ है इन्होंने 323 केल्विन, केल्विन में नहीं दिया होता तो हम कन्वर्ट करते केल्विन में, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिरा है डेल्टा एन, ये डेल्टा एन क्या चीज है, डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोडक्ट के, ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। अगर तो हमें डेटा नहीं दिया हुआ होगा तो हम इक्वेशन के थ्रू देखेंगे, लेकिन यहां पर तो हमें डेटा दिया हुआ है और डेटा के अकॉर्डिंग हमें ये जो है वो 5 दिए गए हैं, ये 3 दिए गए हैं, ये 8, ठीक है। हमारा अगर देखा जाए तो ये मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट है SO3, SO3 के कितने मोल दिए हुए हैं भाई, SO3 के 8 मोल दिए हुए हैं, यानी मेरी प्रोडक्ट है 8 मोल माइनस इसके और इसके मोल देख लेते हैं भाई, इसके जो मोल है वो है 5 और इसके हैं 3, ठीक है, तो 5 + 3 8 ही बनते हैं, तो 8 में से 8 माइनस हुए तो ये तो 0 ही बचा, यानी कि कोई भी पावर नहीं होगी, अगर कोई आती तो हम वो कर लेते, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो क्या होगा, हम यहाँ पर अपनी अपनी वैल्यूज लिख देंगे, केसी की वैल्यू है 0.85 या आर की वैल्यू है 0.0821, इसके अलावा मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 323। अगर यहाँ पर कोई भी डेल्टा एन हमारे पास निकल कर आता तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते, चूंकि हमारे पास डेल्टा एन नहीं है कुछ भी, तो इसीलिए इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। 0.85 26.5, अब क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 0.85, ये आ गया मेरे पास 22.54, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको जो है वो केपी निकाल लेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर तो लेक्चर समझ में आया तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।